एनआईटी हमीरपुर में आई फ्लू को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में खंड स्वास्थ्य शिक्षक कमल मनकोटिया ने सभी संक्रमित बच्चों को आई फ्लू के लक्षण तथा उसके बचाव एवं उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य शिक्षक ने बताया, ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत जल्दी फैलती है। साफ सफाई न होने के कारण ये फैलती है। स्वास्थ्य निदेशक ने बताया, शुरू में आंखों में जलन, आंखों का लाल होना और आंखों से तरल पदार्थ निकलना इसके लक्षण हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से आग्रह किया वे अपना अलग अलग सामान यूज करें। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आपके पास प्रेस है तो उसको अच्छी से प्रेस करना, ताकि आपका जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, वो मर जाए। अगर वायरस को मरते जाओ तो और स्ट्रेन पैदा करेगा, ये दिक्कत है बेसिकली। जब तक आप वायरस बैक्टीरिया को खत्म नहीं करोगे, आप धूप में अपने टॉवल को भी डालोगे। तीसरी चौथी बात, आप बार बार साबुन से हाथ धोए, क्योंकि इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इंजेक्टिव वायरस का कोई भी पक्का इलाज नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा स्वैब लिया, जब उसकी बिल्कुल नहीं करनी, दूसरा स्वैब लिया, वैसे उसी तरीके से आपने तीन बार से साफ करना है। फिर क्या होगा, जो चीज आपकी, जो आपके सीक्रेशन है आपकी, जो बात चिपकी वो निकल जाएगी, आपकी आंख बड़े प्यार से खुल है ना, और आपकी आंख स्वैब हो जाए। और उसमें क्या होता है, आंख से डिस्चार्ज ऐसा होता है, इसमें भी व्हाइट और पीला, ठीक है, पीला रंग का होगा फिर व्हाइट कलर होगा। और जब ये काम हो गया, ये कंफर्म हो गया कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, और ये टाइम लेगा 2 से 3 दिन और बायर दोनों तरीके से। और ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब अगर फैली तो ब्लास्ट होता है, और वो आपके सामने है, आपके अनुसार यहाँ हो रहा है कि 200+ बच्चा आपका हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड हो चुका है। बेसिकली क्या है, इसमें सबसे पहले सिम्टम क्या होता है कि हल्की सी आपको सडनली क्या होगा, पहले हल्की सी आपको खांसी, हल्की सी सड़न होगा, उसमें अलग हो सकता है, उसमें जलन हो सकती है। मेरी पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल टोंडे भी है, मुझे निर्देश दिया हमारे सीमो सर ने कि आप कहीं नहीं जाओ और वहाँ दिक्कत है। तो हमारी टीम 3 दिन से लगातार मैडम जी सर अभी लगातार 4 दिन से यहाँ है, आपकी सेवा में तत्पर है। पर मैं इसलिए यहाँ आया था कि मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकूँ, बाकी आप गाइड हो गए, अच्छे बच्चे पढ़ लिखे यहाँ पहुँचे हैं नैली में। इसके लिए क्या, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं, ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।